गणेश जयंती निमित्त श्री गणेश मंदिर टेकड़ी की ओर से विविध धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 किलो का लड्डू का भोग यज्ञ और शाम को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा गणेश मंदिर से निकलकर मानस चौक, अंसारी रोड, राजस्थानी महिला मंडल, मॉरिस कॉलेज डी पॉइंट, वैरायटी चौक, सीताबर्डी मेन रोड, लोहा पुल से मानस चौक होते हुए रात 8 बजे वापस श्री गणेश मंदिर पहुंचेगी। सोमवार को सुबह पूजा कृष्णा शास्त्री आरवी करके पौरोहित्य में गणेश यज्ञ शुरू हुआ, जिसकी पूर्णा होती मंगलवार 13 फरवरी को दोपहर 1 बजे होगी। तिल के रेवड़ी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। शोभा यात्रा में बैंड, ढोल, ताशा, पतंग तथा मंगल कलशधारी रहेंगे। बड़ी मेन रोड के व्यापारियों का सहयोग मिल रहा है। महाराज बाग प्रभात मित्र मंडल द्वारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। श्री गणेश मंदिर की ओर से गणेश जयंती निमित्त 18 फरवरी को दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। श्री गणेश जन्मोत्सव निमित्त श्री अष्टविनायक मित्र मंडल की ओर से गणेश टेकड़ी मंदिर में 1100 किलो के लड्डू का भोग मंगलवार को दोपहर 12 बजे श्री गणेश जी को लगाया जाएगा। बाद में लड्डू का वितरण श्रद्धालुओं को किया। गणेश जयंती के अवसर पर हम देख रहे हैं कि गणेश टेकड़ी मंदिर, जो कि शहर का सुप्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर आज जो है श्री अष्टविनायक मित्र मंडल की ओर से जो है 1100 किलो का लड्डू बनाया गया है। उसमें श्री राम जो अयोध्या का मंदिर है उसकी प्रतिमा बनाई गई है। इस अवसर पर ये जो है 1100 किलो के लड्डू का यहाँ भोग लग रहा है और यहाँ पर यज्ञ और भी कई तरीके के यहाँ पर जो है कार्यक्रम का आयोजन आज विशेष गणेश जयंती के अवसर पर किए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्तालु जो श्रद्धालु है, भक्तगण है, यहाँ पे आए हैं, आज दर्शन का लाभ उठा रहे हैं और साथ ही साथ जो ये 1100 किलो का लड्डू का भोग यहाँ लगने जा रहा है उसका भी यहाँ पे वो लाभ ले रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।